और एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला। नागपुर में एक तेज रफ्तार कसे आ रखी ऑडी ने दो कार और एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ऑडी समेत दो लोगों को हिरासत में लिया है। बताया दरअसल ये जा रहा है कि ऑडी कार महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे साकेत बावनकुले के नाम पर है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं एक ऑडी कार की रफ्तार कितनी ज्यादा तेज थी, जो एक गाड़ी और कई लोगों को टक्कर मारती हुई सीधे आगे निकल गई। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष के बेटे के नाम पर यह गाड़ी है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी है इस खबर की? हाँ अनुपमा, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि सोमवार को देर रात को ये जो ऑडी कार है वो नागपुर के सबसे बिजी रोड रामदास ब्रिज से गुजर रही थी, और गुजरने के दौरान इस गाड़ी ने दो कार और एक मोटरसाइकिल को जोर की टक्कर मारी है, जिसमें दो से तीन लोग घायल हो चुके हैं। टक्कर एक्सीडेंट होने के बाद जो गुस्साए लोगों ने था, उन्होंने गाड़ी से में जो भी लोग सवार थे उसे बाहर निकाला और उसे पुलिस के हवाले किया। जांच में पता चला कि जो ये ऑडी हाई एंड कार है वो महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत बावनकुले के नाम पर है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि हादसे के समय जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनका बेटा उस गाड़ी में था या नहीं, पुलिस इस बात की जांच कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा और पुलिस इस पूरे मामले में फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो भी आरोपी इस पूरे मामले में होंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है अनुपमा कि पुलिस ने जो FIR रजिस्टर्ड की है उसमें दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन जिसके नाम गाड़ी रजिस्टर्ड है और जो रजिस्ट्रेशन नाम है संकेत बामन के लिए, उनका नाम FIR में नहीं है। और पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या उस समय जब हादसा हुआ था उस समय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बेटा गाड़ी में था या नहीं। बिल्कुल, और ये देखने वाली बात होगी विवेक। कहा जा रहा है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, लेकिन अगर FIR में जिसके नाम पर गाड़ी है अगर उसका नाम नहीं है तो सवाल जरूर जो है उठेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जरा ये तस्वीर देख लीजिए, ये दरअसल वो सीसीटीवी फुटेज है जब ये घटना हुई है, किस तरीके से ये तेज रफ्तार ऑडी कार जो है वो कुछ ही पल में बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी और आगे जो है इसकी गाड़ी थी, और हालांकि आगे जो गाड़ियां मौजूद है वो अपनी नॉर्मल स्पीड में चल रही है, लेकिन बावजूद इसके पीछे से आ रखी ऑडी गाड़ी जो है वो किस तरीके से आगे की गाड़ियों को टक्कर मारते हुए काफी तेज रफ्तार से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसे कि मेरे सहयोगी विवेक बता रहे थे कि दो लोगों का नाम जो है FIR में है, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष के जो बेटे हैं साकेत, वो उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे या नहीं थे, अब इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। सेंटर पॉइंट होटल के सामने ये घटना हुई है। एक कार ने दो कार और एक बाइक को डैश करके वो भाग गई है और भाग गई थी, जबकि कोई नहीं था उसमें, और उसका गुनाह दाखिल कर दिया है, दोनों आरोपियों को अरेस्ट भी कर दिया है। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।